हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 18 मार्च इवनिंग शिफ्ट में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके पांच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। सो दिस वाज बेसिकली लास्ट पेपर ऑफ मार्च सेशन। तो देखते हैं इसमें पांच कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इन द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइट विद अमाइड द कार्बोनिल कार्बन इज लॉस्ट एज। आई थिंक थोड़ा सा नॉन ट्रिवियल वे में क्वेश्चन को लिखा गया है। सबसे पहले तो इस चीज को देख के समझ आना चाहिए कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है। ये बात हो रही है हॉफमैन डिग्रेडेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हॉफमैन डिग्रेडेशन की बात हो रही है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या कहानी होती थी। अमाइड होता था और अमाइड की रिएक्शन करा देते थे हम NaOH Br2 के साथ, ठीक है। तो इन्होंने हाइपोब्रोमाइट लिखा है, दैट स्टैंड्स फॉर दिस थिंग, ठीक है। बट आई गेस ये हमें आइडिया हो गई कि हम बोल देते हैं ये चीज एग्जिस्ट करती है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो उसी इंस्टेंट पे ये क्रिएट होता है और एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में आइसोसाइनेट बनवाता है ये। तो दैट इंटरमीडिएट इज लाइक RnCO, ठीक है। उस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जब हम मैकेनिज्म कवर करते हैं, तो वो डिस्कशन भी आई जाते हैं। और ये करने के बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये पार्ट तो RnH2 बन जाता है और ये वाला जो पार्ट है ये CO2 बन के रिलीज हो जाता है। क्योंकि मीडियम बेसिक है तो जनरली सिर्फ CO2 नहीं दिया रहता, इट इज लाइक कि ये CO2 NaOH के साथ रिएक्ट करके बेसिकली क्या बना लेता है, Na2CO3, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें बाय चांस हमें ना भी पता हूँ, सिर्फ हमें ये क्लिक कर जाए कि इस रिएक्शन से कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की बात हो रही है, तो आई थिंक एक फेयर आइडिया हमें लग सकता है। क्योंकि वहां पे जब आप रिएक्शन को बैलेंस करके लिख रहे होते हो तो प्रोडक्ट में वी जनरली राइट Na2CO3, है ना। इतनी तो चीज आई गेस याद रह ही जाती है कि हमने Na2CO3 कहीं ना कहीं तो लिखा है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी कार्बोनेट आयन, विच इज लाइक विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज द नेम इटसेल्फ इज नॉट वेरी ट्रिवियल, तो थोड़ा सा तो कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होगा। और दूसरा, CO2 में भी काफी लोग गलत करके आए होंगे क्योंकि ये लगभग लोगों को पता होता है कि आइसोसाइनेट बनता है, CO2 बनता है, बट एकदम से स्ट्राइक करना कि वो CO2 इवेंचुअली बेस से रिएक्ट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Na2CO3। तो बेसिकली हमारे लिए अगर इन्होंने पूछा है कि कार्बोनिल कार्बन कैसे लूज हो रहा है, ये वाला कार्बन कैसे लूज हो रहा है, तो इट इज गोइंग इन फॉर्म ऑफ CO3 2 माइनस। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे क्योंकि इसमें सिर्फ आपको अपनी एनालिटिकल या ऐसे बोलो कॉग्निटिव एबिलिटी चेक करनी थी ढंग से। तो इन्होंने बोला है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एक्स एंड वाई। यानी एक्स और वाई दो ऐसे एलिमेंट हो गए जिससे मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो मैग्नीशियम की ही लाइन में आगे के जो एलिमेंट है, मैग्नीशियम वाले पीरियड में जो आगे के एलिमेंट है वो हो सकते हैं। और फिर क्या बोले, हायर देन जेड, जेड से हायर है। तो इसका मतलब अगर हम ये देख रहे हैं, ये जेड की बात हो रही है, तो क्लियरली अगर जेड से हायर, तो क्लोरीन से तो हायर नहीं हो सकता ना। तो जो ऑप्शन हम रिजेक्ट कर पा रहे हैं वो ये ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इट कांट बी हायर देन क्लोरीन। चलो अब एक्स और वाई से हायर है, एक बार ये ऑप्शन देखना। आर्गन बहुत राइट में है, नोबल गैस है, डेफिनेटली आर्गन की जो एनर्जी होगी एक्स और वाई, अगर बोला गया एक्स और वाई की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो डेफिनेटली आर्गन बीइंग अ नोबल गैस काफी हाई आयनाइजेशन एनर्जी रखता होगा। वैसे भी मैग्नीशियम से बहुत ज्यादा राइट में है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्लोरीन भी जस्ट आर्गन से पहले है, उसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगी। यानी ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। अब लिथियम के लिए आप डायरेक्ट मेरे को नहीं लगता कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जब लिथियम से सोडियम पे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सोडियम से मैग्नीशियम पे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ डिक्रीज हुआ, यहाँ इंक्रीज हुआ, तो एकदम से एब्सोल्यूट वैल्यू गेस कर पाना तो पॉसिबल नहीं। बट आई थिंक ऑप्शंस ऐसे हैं, दो बार ये हमें बहुत क्लियर है कि आर्गन और क्लोरीन एक्स और वाई होने चाहिए। और अब इन्होंने इस तरीके से दिया है कि लिथियम को भी साथ में एडजस्ट कर दिया है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना कि 2, 3 और 4 तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाए। तो उसके बेसिस पे हम बहुत इजीली जज कर सकते हैं
कि अगर ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो टू जो है हमारा सही आंसर होना चाहिए. तो दिस इज लाइक द अप्रोच विच यू कैन यूज एंड विच यू शुड यूज इवन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डेटा, है ना. और सिर्फ अपने ऑप्शंस को देख के थोड़ा सा कॉग्निशन को लगा के कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए. ठीक, तो माय आंसर वुड बी ऑप्शन टू. टू इज लाइक 843 वाला. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. ओके, ये तो हाँ बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए दिया गया. आई डोंट थिंक दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, काफी फेमस सा क्वेश्चन है. हम क्या बोलते हैं, जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेजर होता ही है एनीवेज, है ना. लेकिन जो मेटा प्रोडक्ट है वो भी इस केस में काफी सिग्निफिकेंट बन जाता है, क्योंकि ये एसिड के प्रेजेंस में ये एनिलीनियम आयन बन जाता है. तो ये एनिलीन नहीं बना रह पाता ना, ये एनिलीनियम आयन बन जाता है इस तरीके से. और एनिलीनियम आयन बनने के बाद जो ओनली इफेक्ट विच विल डोमिनेट इज माइनस आई, देयर इज नो प्लस एंड देयर आफ्टर. ठीक है, तो ये 47% होता है मेटा वाला, क्योंकि उस पर रिलेटिवली कम लग रहा होता है माइनस आई, और ऑर्थो में तो बहुत ही ज्यादा माइनस आई लग रहा होता है. तो उसकी वजह से क्या बोलेंगे हम, ये सिर्फ 2% बनता है. वैल्यूज भी आई गेस एनसीईआरटी में दी गई है, तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस. वेरी फेमस क्वेश्चन, नॉट अ वेरी बिग डील टू डील विद दिस. तो सी मैक्सिमम, फिर बी, फिर ए. ठीक है, सी बी ए. तो आंसर क्या हो गया हमारा, 6902 वाला. ठीक है, चलो फोर्थ पे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन का कोई खास सिर पैर है नहीं. ये क्वेश्चन फिर से बता रहे हैं कि एनटीए के कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आते हैं, कुछ खास तुम कर नहीं सकते. बोला है H2O2 की रिएक्शन बताओ बेसिक मीडियम में. ठीक है, तो अगर हमें H2O2 की रिएक्शन, भाई अब ये मैंने करेक्ट एनसीईआरटी से उठाया है, अब इसमें क्या कहानियां लिखी हुई है वो तुम पढ़ सकते हो. इसमें क्या कहानियां लिख रखी है कि बेसिक मीडियम में देखनी है हमें, और वो भी क्या बेसिक मीडियम में रिएक्शन देखनी है. चलो देख लेते हैं. तो एक तो आयरन का वो ऑक्सीडाइज कर देता है बेसिक मीडियम, है क्या ये वाला, नहीं दिया. चलो, और मैंगनीज प्लस टू को एमएन प्लस फोर में भेज देते हैं. हाँ, ये ए ठीक हो गया इसका मतलब. आगे चलते हैं. आई टू को आई माइनस में कन्वर्ट कर देता है, ये भी ठीक है. पीबीएस को पीबीएसओ फोर में कर देता है, गलत बात नहीं है, लेकिन कौन से मीडियम में वो ट्रिकी हो गया. तो ये रिएक्शन भी दी हुई है, लेकिन कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम. आई थिंक प्योर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना. पहली बात तो ये याद हो कि कौन कौन सी रिएक्शन कर पाता है, दूसरी बात ये याद हो कौन कौन से मीडियम में कर पाता है. प्योर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो ए और बी आंसर करेक्ट है इसका, है ना, थर्ड ऑप्शन. तो बेसिकली 853. चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. कुछ टाइट्रेशन की बात हो रही है. 10 ml ऑफ Na2CO3, 10.0, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर जैसा कुछ पूछेंगे क्या इसमें. तो इसमें टाइट्रेट किया है 0.2 मोलर ऑफ HCl के साथ. ठीक है, और फॉलोइंग टाइटर वैल्यूज वर ऑब्टेन्ड इन 5 रीडिंग्स. चलो ठीक है भाई, तो क्या कहानी है, मतलब आई थिंक प्रैक्टिकल में एक कन्वेंशन बताई जाती है ना, कि जब तक 3 कंसिस्टेंट वैल्यूज ना आए तब तक आपको एक्सपेरिमेंट किए जाना करते रहना चाहिए ना. जब तक हमारे पास 3 सेम वैल्यूज नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है वैल्यूज में, है ना, तब तक हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना है. तो आई गेस इसीलिए इन्होंने 5 वैल्यूज दिए, और लास्ट में जब 3 कंसिस्टेंट आ गई है तो एक्सपेरिमेंट को रोक दिया. बोला क्या, बेस्ड ऑन दीज रीडिंग्स एंड द कन्वेंशन ऑफ टाइट्रीमेट्रिक एस्टिमेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2CO3 इज. अच्छा ठीक है, अभी देख लेते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, Na2CO3 अगर सोचें तो कैसा होता है, बेसिक होता है. ठीक है, अच्छा इससे HCl रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रिएक्ट करके अगर सोचें तो पहले टाइट्रेशन के बाद बनाएगा NaHCO3, और साथ में चलो H2O बना दिया, बट आई गेस ये भी बेसिक है. फिर से सोचोगे तो NaOH और H2CO3 का सॉल्ट है, ये भी बेसिक है, यानी ये फर्दर रिएक्ट करेगा. NaHCO3 दूसरी रिएक्शन करेगा HCl से, इवेंचुअली क्या बना देगा, यहाँ पे हमारे पास क्या फीलिंग आने वाली है कि हमारे पास वी विल बी गेटिंग एक और H अगर इसमें लग गया तो वी विल बी गेटिंग NaCl प्लस व्हाट, सॉरी यहाँ पे NaCl भी जरूर बना था. हाँ, और यहाँ पे अगर देखोगे तो H2O नहीं बना था, और NaCl, और यहाँ पे H2CO3. ठीक है,
इस तरीके से अगर नहीं सोचना था तो कन्वेंशनली आपको याद होना चाहिए बाइकार्बोनेट की जो रिएक्शन होती, सॉरी बाइकार्बोनेट बोल रहा हूँ, कार्बोनेट की जो रिएक्शन होती है HCl के साथ, उसमें क्या क्या बन जाते हैं, उसमें H2O बनता है, CO2 बनता है और NaCl बनता है। तो या तो बैलेंस करके कर लो, कुछ भी माथा पच्ची नहीं करनी थी, तो दिमाग में क्लियर रखना था कि भाई N फैक्टर मिली इक्वलेंट उस कंसेप्ट से कर सकते हो। मिली इक्वलेंट्स ऑफ Na2CO3 कितने हैं, वॉल्यूम इनटू उसका N फैक्टर इनटू उसकी मोलैरिटी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, मिली इक्वलेंट्स ऑफ HCl कितने हैं, वॉल्यूम इनटू उसका N फैक्टर इनटू उसकी मोलैरिटी, मोलैरिटी जी 0.2। तो फाइनल मोलैरिटी क्या आई इससे हमारे पास, तो ये आया 20 और दिस इज लाइक 5 2 by 10 और अपॉन में क्या चल रहा है अभी 20 चल रहा है, ठीक है। तो ये मोलैरिटी आई है। अब इन्होंने मोलैरिटी नहीं पूछी है Na2CO3 की, मिली मोलर में पूछी है कॉन्सेंट्रेशन। तो मिली मोलर में करने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 2/10 × 1/20 0000 2 से गया 2, तो आंसर आ गया हमारा 50 मिलीमोलर, ठीक है। तो यहां से सिंपल सा आंसर आ गया 50 मिलीमोलर। तो ये 5 क्वेश्चन थे हमारे 18th मार्च की सेकेंड शिफ्ट के, जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे स्टूडेंट्स को उनका डिस्कशन। चलो बाय बाय, टेक केयर।